गुड मॉर्निंग क्लास थर्ड। क्लास थर्ड मैथ में बेटा आप लोग एक्सरसाइज 11 के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। इसमें आपने 24 तक के क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है। पिछले वीडियो में हमने आपको 19 एंड 22 के क्वेश्चन सॉल्व करा था, बाकी 20, 21, 23 एंड 24 होमवर्क दिया था। आई होप आप सबने होमवर्क कंप्लीट कर लिया होगा बेटा। आगे देखते हैं, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन। ये जो क्वेश्चन दिए गए हैं, नंबर्स हैं इसमें, इनमें डिफरेंस निकालना है, मीन्स इनमें सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25 क्या है। 4796 एंड 2998 में क्या करना है कि बीच में डिफरेंस निकालना है, मीन्स सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। तो क्या करेंगे इसको, सबसे पहले हम ऐसे ही कॉलम में इसको बनाएंगे। ओके, चलिए देखते हैं। ये देखिए हमने बनाया है क्वेश्चन नंबर 25, 4796 एंड 2998। ओके, क्या लिखा है सबसे पहले, वंस, टेंस, हंड्रेड एंड थाउजेंड लिखेंगे, फिर उसके नीचे नंबर्स लिखेंगे। क्या करना है इसमें देखते हैं, क्या है, सिक्स था यहाँ पे, सिक्स और एट में सिक्स से एट को सब्ट्रैक्ट करना था, ठीक है। तो सिक्स से एट सब्ट्रैक्ट नहीं होगा क्योंकि सिक्स छोटा है यहाँ पे और एट बड़ा है। ओके, तो क्या करें हम, क्या हम लोग करते हैं यहाँ पे, अगले नंबर से बारह लेते हैं, ठीक है। तो हमने अगले नंबर से बारह लिया, ये सिक्स था और वन बारह लिया, क्या हो गया, वन सिक्स सिक्सटीन हो गया, और ये सिक्स नहीं सिक्सटीन हो गया, ठीक है। अब 16 से 8 माइनस किए कितना आ गया बेटा, 8 आ गया। ओके, 16 से 8 माइनस किए 8 आ गया। आगे क्या बचा है, ये 9 था, लेकिन जब ये 1 इसको ये 12 दे दिया, उधार दे दिया, तो ये कितना बचा है, 8 बचा है। ओके बेटा, 1 इसको 12 दे दिया तो ये 8 बचा है। अब 8 से 9 माइनस करेंगे, 8 से 9 माइनस होगा, नहीं होगा, क्योंकि 8 छोटा है और 9 बड़ा है, ठीक है। क्या करेंगे फिर, अगले नंबर से 12 लेंगे, ये 7 है, 7 से हम 1 12 लेके आए, क्या हो गया, ये 18 हो गया। 18 से 9 माइनस करेंगे क्या आएगा, चलिए माइनस कीजिए बेटा, 18 से माइनस करेंगे 9, क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा, ठीक है, 9 आ जाएगा। अगला नंबर देखते हैं, 7, 7 ये पहले था, लेकिन जब 1 इसको 12 दे दिया तो ये क्या हो गया, 7 नहीं ये 6 हो गया। ओके, अब 6 से 9 माइनस करेंगे, नहीं होगा, फिर अगले नंबर से 12 लेंगे, ये कौन सा नंबर, 4 है, 4 से हम 1 12 लिए, ये कितना हो गया, 1 6 16। अब 16 से 9 माइनस करेंगे क्या आ जाएगा, 7, 7 आ गया, ठीक है। ये क्या बचा है, ये 4 था, लेकिन 1 इसको 12 दे दिया तो ये कितना बचा है, 3 बचा है। 3 से 2 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये देखिए आंसर आ गया, क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर हो गया ये 1798। ओके, ये आंसर हो गया, ठीक है। अब सेम ऐसे ही बेटा अगला नंबर है, अगला क्वेश्चन है ये आपका 26, ठीक है, सेम ऐसे ही आपको सॉल्व करना है। अगला है 27, 27 क्वेश्चन देखते हैं बेटा क्या है। सबसे पहले आप लोग ऐसे क्वेश्चन लिखोगे, क्या है, 8264 एंड 9020, ठीक है। तो इसमें अब ये नंबर भी कॉलम में करना था, तो हम देखते हैं ये सबसे पहले क्या है, ये 8264 है और ये 9020 है, ये 8000 है और ये 9000 है, तो दोनों के बीच में, बिटवीन में हमको सब्ट्रैक्ट करना है, दोनों के बीच में डिफरेंस निकालना है। तो सबसे पहले बड़ा वाला नंबर लिखेंगे ना, तो ये 8000 है और ये 9000 है, तो हमने सबसे पहले वंस, टेंस, हंड्रेड एंड थाउजेंड लिखा, फिर उसके नीचे सबसे पहले 9000 वाला नंबर लिखा, वंस के नीचे वंस के नंबर, टेंस के नीचे टेंस के नंबर,
हंड्रेड के नीचे हंड्रेड के नंबर और थाउजेंड के नीचे थाउजेंड के नंबर। फिर अगला नंबर हमने लिखा, अब इन दोनों में सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। तो चलिए वंस के नंबर देखते हैं। ज़ीरो, ज़ीरो से फोर माइनस करना है, तो ज़ीरो से फोर माइनस होगा बेटा? नहीं होगा। क्या करेंगे, अगले नंबर से बारह लेंगे। अगला नंबर क्या है, टू है। टू से हम वन बारह लिए, ये ज़ीरो पहले से था, वन बारह लिए टेन हो गया, ये ज़ीरो नहीं टेन हो गया, ठीक है। अब टेन से फोर माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, ये आ गया हमारा सिक्स आ गया, ठीक है, ये सिक्स हो गया। अगला नंबर देखते हैं टेंस के, तो ये टू था, लेकिन जब वन इसने बारह दे दिया है वन, तो क्या हो गया, ये वन बचा। टू था, वन इसको बारह दे दिया तो वन बचा। अब वन से सिक्स माइनस करेंगे, होगा नहीं होगा, नहीं होगा, क्योंकि वन टू सिक्स से छोटा है, ठीक है। तो अब अगले नंबर के पास बारह लेने के लिए जाएंगे, तो ये क्या है, कौन सा नंबर है, ये ज़ीरो है। ज़ीरो है तो इसके पास भी कोई नंबर नहीं है, तो ये बारह नहीं दे पाएगा। तो फिर ये अगले नंबर के पास गया, क्या है ये अगला नंबर, नाइन है। नाइन से वन इसके पास है, ये नाइन है, नाइन से वन ये बारह लेके आया, कितना हो गया, टेन हो गया, वन ज़ीरो टेन हो गया। लेकिन अब यहीं पे सब्ट्रैक्ट नहीं हुआ, क्योंकि अभी टेंस का नंबर नहीं सब्ट्रैक्ट हुआ है। तो क्या करेंगे, ये वन इसको बारह दे देगा, ये भी तो इसके पास बारह लेने के लिए आया था वन, तो वन इसको बारह दे देगा, ये क्या हो जाएगा, वन वन इलेवन हो जाएगा, और ये नाइन हो जाएगा, ठीक है, ये नाइन बचेगा। तो इलेवन से सिक्स को माइनस करेंगे, कितना आ गया, फाइव आ गया। आगे है नाइन, अब नाइन से टू माइनस करेंगे, कितना हो जाएगा, सेवन हो जाएगा, और ये कितना है बेटा, ये नाइन था, लेकिन जब वन इसने इसको बारह दे दिया, तो ये कितना बचा है, एट बचा है। अब एट से एट माइनस करेंगे, कितना हो जाएगा, ज़ीरो। ओके, ये देखिए आ गया आंसर क्वेश्चन नंबर से 27 का, ठीक है। क्या आ गया आंसर, 756, ये क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर है। ओके, तो ठीक, जैसे हमने आपको 25 और 27 के क्वेश्चन सॉल्व करवाए हैं, ठीक वैसे ही आप लोग 26 और 28 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे होमवर्क में, ठीक है। ये आपका बेटा होमवर्क हो गया, 26 एंड 28, जैसे हमने ये क्वेश्चन सॉल्व करवाया, ठीक वैसे ही आप लोग इसको सॉल्व करेंगे, सेम वैसा ही क्वेश्चन है। ओके, आगे बेटा नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।